नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शर्मा जी जी के फॉर कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप यह हिंदी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 7 देख रहे हैं। बाकी के 6 पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक के व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए अड़ा, ऑप्शन बी मा, ऑप्शन सी ना, ऑप्शन डी थम। राइट आंसर है ऑप्शन डी थम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है। ऑप्शन ए वर्ण क्रम, ऑप्शन बी व्यंजन क्रम, ऑप्शन सी संधि विच्छेद, ऑप्शन डी वर्ण विच्छेद। राइट आंसर ऑप्शन डी वर्ण विच्छेद। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी ऊ। राइट आंसर ऑप्शन सी रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी है। आपको इनमें से बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सा शब्द है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए अलौकिक, ऑप्शन बी अत्याधिक, ऑप्शन सी अनाधिकार, ऑप्शन डी बरात। राइट आंसर ऑप्शन डी बरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी संधि, ऑप्शन डी वाक्य। राइट आंसर ऑप्शन सी संधि। तो ध्वनि के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए वल्लभ, ऑप्शन बी कलत्र, ऑप्शन सी दारा, ऑप्शन डी भार्या। राइट आंसर ऑप्शन ए वल्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे से जन्मने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए अजन्मा, ऑप्शन बी अंधजा, ऑप्शन सी अंडज, ऑप्शन डी अंडा। राइट आंसर है ऑप्शन सी अंडे से जन्मने वाला के लिए एक शब्द है अंडज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए निधन चाय, ऑप्शन बी निधन चया, ऑप्शन सी निधन चय, ऑप्शन डी निश्चन चय। राइट आंसर ऑप्शन सी निधन चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए ताम, ऑप्शन बी देवता, ऑप्शन सी मानव, ऑप्शन डी दानव। राइट आंसर ऑप्शन डी दानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर् उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए दुर्दशा, ऑप्शन बी दुहाई, ऑप्शन सी दूरी, ऑप्शन डी दूर। राइट आंसर ऑप्शन ए दुर्दशा। नवरत्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्णधारय समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो नवरत्न में होता है ऑप्शन बी द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल बसना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए चलना, ऑप्शन बी मृत्यु होना, ऑप्शन सी चलकर बस जाना, ऑप्शन डी बस से चलना। राइट आंसर ऑप्शन बी मृत्यु होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए त्वता, ऑप्शन बी तत्व, ऑप्शन सी तत्वा, ऑप्शन डी तत्व। राइट आंसर है ऑप्शन बी तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी रति, ऑप्शन सी हास्य, ऑप्शन डी जुगुप्सा। तो सभी रसों के स्थायी भाव आपको याद होंगे, आपको बताना है इसमें वीर रस का स्थायी भाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार। राइट आंसर है ऑप्शन बी उपमा अलंकार।
उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम आपको बताना है। ऑप्शन ए है अपकर्ष, ऑप्शन बी है अपकार, ऑप्शन सी है अनाश्रित, ऑप्शन डी है निष्कर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है। ऑप्शन ए एक धन एक, ऑप्शन बी सुधन अल्प, ऑप्शन सी वंधन औषधि, ऑप्शन डी भावधन एक के। राइट आंसर ऑप्शन बी सुधन अल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है। ऑप्शन ए प्रत्येक, ऑप्शन बी प्रतिकूल, ऑप्शन सी प्रताप, ऑप्शन डी प्रतिक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रताप। बाकी के सभी शब्द प्रति उपसर्ग से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए जिसके हाथ में कंगन है उसे आरसी की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन बी धनवान को आर्थिक सहायता नहीं चाहिए, ऑप्शन सी मूल्यवान वस्तु के सामने तुच्छ वस्तु को का महत्व नहीं है, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर का समास विग्रह बताइए। ऑप्शन ए है मन को हरने वाला, ऑप्शन बी मनहरता, ऑप्शन सी मन को चुराने वाला, ऑप्शन डी प्रेम करने लायक। राइट आंसर है ऑप्शन ए मन को हरने वाला। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, और आगे आप किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।